और बबून का भी खतरा रहे, लकड़ बकड़ का भी खतरा है, लकड़ बकड़ का भी खतरा है। ये तो मैंने हाथ रखा हुआ, ये गर्म ही नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इरफान टूरी फोटोग्राफी। राइट नाउ वी आर इन अबहा एंड गोइंग टुवर्ड्स सोदा। अबहा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट इन सऊदी अरेबिया एंड इन रियाद, दैट इज 47 डिग्री सेंटीग्रेड, बट राइट नाउ हियर इट इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आल्सो देयर इज रेनिंग, सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। So right now we are at the top of Sudah in Abha city, Saudi Arabia, and preparing a barbecue setup. Trying to burn the coal. Right on the coal. नहीं तो ऐसा नहीं करें कि लकड़ियाँ जमा कर लें, लकड़ी ही जला लें। लकड़ियाँ किधर हैं? The tea is fantastic. Oh, new new watch. हाँ भाई पूरा किरत रोज सुन रहे मजा है। और इधर बन रहा है चावल, सादा चावल जो मुजाहिर उस्ताद बना रहे हैं, और इन्होंने ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जुगाड़ किया है। बोतल को काट के उसमें चावल डालें ताकि ये नरम हो जाएं। हाँ हाँ हाँ। और ये यासिर इधर जो है टमाटर कटिंग हो रही है, वो है आरिफ भाई जो बिल्कुल मास्क उतारने का नाम तक नहीं ले रहे, कंसल्टेंसी काम कर रहे हैं। वो हमें मशवरे दे रहे हैं क्या कर रहा है। और ये ऊपर देखिए फॉग आपको नजर आ रहा होगा भाई, तेजी से हमारे ऊपर गुजर गया। ये देखिए सारा फॉग हमारे साथ, बारिश से बचने के लिए पैराशूट का जो इसको क्या कहते हैं पैराशूट टेंट, इसका जुगाड़ भी हमने बनाया हुआ है। जब भी तेज बारिश आएगी तो हम इसको बिल्कुल शेड बना लेंगे, परेशान कर देंगे इसका हम जो है ना शेड बनाएंगे और उसके नीचे हम फिर बारिश से इंशाल्लाह बचेंगे। आज रात भी हमने यहाँ पर गुजारनी है, 3 बजे तक तो हमारी ये चावल बनेगी। गोश्त बिल्कुल जबरदस्त पक चुका है, हाँ
सारा गोश्त ही है, चावल तो अच्छा ना यार, एक किलो चावल साथ दो किलो गोश्त होना चाहिए। ढाई बज रहे हैं, लेकिन एक तो हवा बहुत ज्यादा है और दूसरी बात यह कि कुत्तों का भी खौफ है, कुत्ते आ रहे हैं बार बार, और बबून का भी खतरा है, लगड़ बगड़ का भी खतरा है। तो फिलहाल तो बस काम खराब है बिल्कुल, या तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं निकलते तो वही मामला सही नहीं है, या तो गाड़ी में ही बैठेंगे। तो अब देखते हैं कि क्या होता है।